हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डेफकॉट टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे कि ये दवा किस काम आती है, कौन कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या कि कैसे काम करती है, और इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स क्या है, इसकी प्राइस क्या है, और इससे रिलेटेड और दूसरे कौन कौन से ब्रांड हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेफकॉट टैबलेट मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जो कि 6 mg, 12 mg, 18 mg और 30 mg के स्ट्रेंथ में आता है। इसमें जो ड्रग कंटेंट होता है वो है डेफ्लाजोकॉर्ट। डेफ्लाजोकॉर्ट एक स्टेरॉइड है, जिसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। तो जो स्टेरॉइड का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा ये इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है। डेफकॉट 6 mg का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, हालांकि इसके अदर जो डोज हैं तो वो डिपेंड करता है कि डिसीज की टाइप कौन सा है और सीवियरिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा डोज रिक्वायर्ड है। तो इसके यूज की बात करें अगर, तो जहां कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, ये इन्फ्लेमेशन कई बार हमारे एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स की वजह से होता है, कई बार हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है, कई बार ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी ये बीमारी होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एडिसन डिसीज है, IBS है। इसके अलावा दूसरे स्किन से रिलेटेड एलर्जी की जो बीमारियां हैं उनमें भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो डेफ्लाजोकॉर्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो ये इसको जो काम करने का जो तरीका है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर पे ये बाइंड हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो भी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं उनको ये रोक देती है। इस प्रकार से ये एलर्जिक रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन दोनों को कंट्रोल करती है। डेफकॉट का उपयोग उन सभी बीमारियों में किया जाता है जहां पर इन्फ्लेमेशन के चलते बीमारी की गंभीरता बढ़ने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अस्थमा COPD के मरीज हैं, तो उनमें अगर एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनको डिस्निया या एम्फेसिमा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसी समस्याएं आने लगती हैं, तो उस कंडीशन में कंट्रोल करने के लिए डेफ्लाजोकॉर्ट टैबलेट दिया जाता है। इसके अलावा सोराइसिस है या ऑटोइम्यून डिसीज है, जैसे कि एडिसन डिसीज है, या फिर कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, बहुत ज्यादा सीवियरिटी बढ़ गई है पेन की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो डोज डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि डिसीज की क्या कंडीशन है। अब हम जानते हैं इसके प्राइस कितनी होती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। तो डेफकॉट 6 mg की प्राइस होती है 150 rupees, 12 mg की 162 rupees, 18 mg की 236 rupees और 30 mg की 382 rupees होती है। डेफकॉट के अलावा जो दूसरे अदर पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो डेफजा है, फिर है कॉर्टीमैक्स है, एंजोकार्ट है, फिर है डिकोटा है, फिर एल्जकॉर्ट है, डेफ्टा है, फिर डेफनालोन है, और डेजाकॉर है, और एस्टेराइड। इसके अलावा भी और दूसरे ब्रांड है मार्केट में, ये फिर डॉक्टर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ब्रांड दे रहे हैं। डेफ्लाजोकॉर्ट टैबलेट की कुछ ड्रग से ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये इन दवाओं का उपयोग करें तो इसको साथ में बिल्कुल भी ना लें, जैसे कि अकारबोज है, एस्पिरिन है, एम्लोडिपिन है, एम्फोटेरिसिन भी है, ये दवाओं के साथ में इस दवा का ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है जिसके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफ्लाजोकॉर्ट टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसका अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के आप लिए इस दवा को लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इस दवा का प्रोलॉन्ग यूज करने पर, बहुत लंबे समय पर और हाई डोज में यूज करने पर इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जो कि कई बार बहुत ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो एक्सेसिव फेशियल हेयर इंक्रीज हो जाता है, फिर वेट गेन होता है, पफी फेस अपियरेंस हो जाता है, कुशिंग, जिसे हम कुशिंग वाइड अपियरेंस भी कहते हैं, फिर स्किन रेडनेस हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, और कई बार स्ट्रेच मार्क्स भी स्किन में आ जाते हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट निकलने लगता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल बिहेवियर, फीवर, बैक पेन, नोजिया। डेफकॉट के कुछ अनकॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि फीलिंग फुल और ब्लोटेड, फिर इनडाइजेशन, हार्ट बर्न, इंक्रीज इन एपेटाइट, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज यानी कि ज्यादा भूख लगना, प्यास लगना, पेशाब लगना, ब्लड प्रेशर का भी हाइक होता है, बढ़ता है, कई बार वाटर रिटेंशन के कारण स्वेलिंग भी फील होती है, पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाने की वजह से कई बार थकान लगता है, कंफ्यूजन लगता है, मसल वीकनेस लगती है, स्वेलिंग लगती है, और स्टमक में अल्सर जैसे ये फील होता है।
तो ये थी जानकारी साइड इफेक्ट से रिलेटेड, और इससे दवा का उपयोग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, रिस्क टू बेनिफिट रेशियो के आधार पर। जब तक कि बहुत ही आवश्यक ना हो तब तक डॉक्टर इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये थी सारी जानकारी डेफकॉर्ट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।